भारत की शिपयार्ड इंडस्ट्री ने एक और बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है। जैसा कि देखा जा रहा है, भारत की शिपयार्ड इंडस्ट्री पिछले 2 से 3 सालों में बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। 7 अगस्त 2022 को एक अपडेट में हमने आपको बताया था कि कैसे अमेरिका के फर्स्ट नेवल शिप को भारत के अंदर रिपेयर और मेंटेन के लिए भेजा गया है। भारत में इस बड़े काम को L&T की तरफ से चेन्नई के अंदर कंप्लीट भी किया जा चुका है और एक बार फिर भारत ने बहुत बड़े इतिहास को रच दिया है। ये बड़ी खबर है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की, जहां पर कंपनी ने अब तक के इतिहास में सबसे हाई प्रोडक्शन वैल्यू को क्रॉस कर लिया है। कंपनी ने एक रिपोर्ट में बताया कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के दौरान लगभग 755 करोड़ रुपए का हाईएस्ट प्रोडक्शन किया है अपने हिस्ट्री में। इसके अलावा इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि कंपनी ने बताया कि कैसे कोविड की दूसरी और तीसरी लहर आई, इसके बावजूद भी कंपनी ने अपने कामों को हाफ स्टाफ के साथ भी कंटिन्यू रखा, जिसकी वजह से कंपनी ने इस बड़ी सफलता या बड़े इतिहास को रचा है। कंपनी का टारगेट है कि इसी वित्तीय वर्ष के अंदर इनकी वैल्यूएशन 1000 करोड़ से ऊपर की भी ले जानी है, क्योंकि कंपनी ने 2021 और 22 में लगभग 17 जहाजों की मरम्मत की है और इससे लगभग 270 करोड़ रुपए के व्यापार को आसानी से किया गया है। इसके अलावा 5 लगातार जहाजों की मरम्मत के आदेश भी कंपनी को मिल चुके हैं, यानी कि उन शिप को कंटिन्यू 5 ईयर इसी कंपनी की तरफ से रिपेयर और मेंटेन किया जाना है और एडवांस कंपनी को 154 करोड़ रुपए भी दिए जा चुके हैं। कंपनी ने अब तक लगभग 2000 से भी ज्यादा जहाजों की मरम्मत की है और कंपनी की कुछ खास बात बताई जाए तो कंपनी डिफेंस सेक्टर में भी बहुत बड़ा योगदान देती है भारत के अंदर, जो कि डिफरेंट टाइप के वेसल्स को बनाने का काम करती है। ऑयल सेक्टर में भी कंपनी ड्रिलिंग शिप को बनाने का काम करती है। कंपनी पोर्ट सेक्टर में भारत में बहुत बड़ा योगदान देती है। इसके अलावा फ्लोटिंग क्रेन और मेनी टाइप ऑफ ऐसे ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाने का काम भारत में कर रही है। जहां पर भारत की इस PSU की शुरुआत 1941 में की गई थी और तब से लेकर के कंपनी ने शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयरिंग और बहुत सारे सबमरीन कंस्ट्रक्शन में अपना योगदान भारत के अंदर दिया है। तो भारत के इस बड़े PSU के लिए, जिसने एक और बहुत बड़ा इतिहास रचा है, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कंपनी के लिए जय हिंद जरूर लिखिए और अगर आपके इस बारे में कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।